साल पहले ही डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर को काम करने की अनुमति मिली। मैंने जब इस विषय में पूछा तो मुझे गुजरात के प्रोजेक्ट के लिए जगह बताई गई थी। मैंने मना कर दिया क्योंकि वहां रिलायंस बहुत काम कर रहा है, मुझे महाराष्ट्र में ही काम करना था, इसलिए मैंने नागपुर को चुना। अब फ्रांस में बनने वाले लड़ाकू विमान राइफल मेड इन मेहान होंगे, यह बात रिलायंस समूह के प्रमुख अनिल अंबानी ने कही। संतरा नगरी के मल्टी मॉडल इंटरनेशनल अब एयरपोर्ट इन महाराष्ट्र मिहान के स्पेशल इकोनॉमी जोन सेज के शुक्रवार को डेस्को आरंभ होने वाले धीरूभाई अंबानी एयरो स्पेस पार्क के शिलान्यास अवसर पर श्री अंबानी बोल रहे थे। इस प्रोजेक्ट के में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का 51% एवं डेस्को एविएशन का 49% हिस्सा है। रिलायंस समूह के प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया के मेहान में प्राइवेट सेक्टर में यह पहला प्रोजेक्ट आरंभ होने वाला है। यहां लड़ाकू विमान राइफल फॉल्कन 2000 एवं उसके अन्य पार्ट्स बनाए जाएंगे। एरोस्पेस के क्षेत्र में शुरुआत में 30,000 करोड़ का अनुबंध किया जा सकता है। 300 एकड़ धीरूभाई अंबानी एयरो स्पेस पार्क बनाया जाएगा। इस मौके पर मंच पर डेस्को एविएशन के सीईओ एरिक ट्रेपियर, फ्रांस के विदेश मंत्री फ्लोरेंस पार्ले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, फ्रांस भारत के एम्बेसडर अलेक्जेंडर जिगलर उपस्थित थे। विशेष रूप से अनिल अंबानी की माँ कोकिला बहन अंबानी, प्रसिद्ध अभिनेत्री टीना अंबानी व अनमोल अंबानी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, सांसद कृपाल तुमाने, विधायक सुधाकर देशमुख, समीर मेघे, मल्लिकार्जुन रेड्डी, जोगेंद्र कवाड़े, सुनील केदार, मेहान के सुरेश काकानी, विभागीय उपायुक्त अनूप कुमार आदि गणमान्य उपस्थित थे। जय हो इंडिया, सच की आवाज के साथ मैं विकास बंसोड़, चिप ब्यूरो कैमरामैन सचिन के साथ।